almost 6 marks guaranteed pass theory by JP Das. Hello, welcome to this wonderful video. I am Amitav Karmakar, founder of Amitav Psychology. So jo pass hai PASS, ye iski full form hai P for planning, A for attention and arousal, S for simultaneous and S for successive. But ye isi order mein nahi jata. It goes like this. First is A A S S P. ऐसे जाते हैं. So let us understand one by one. Okay? So first A is your arousal. Arousal meaning activation. For an example, हमारे exam अभी बिल्कुल सामने, right? तो ये जो बार बार dates डाल रहे हैं कि अभी exam है, अभी exam है, अभी exam है, that is the event is activated. मतलब हमको अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी. Second is attention. So attention meaning हमारे यहाँ पे ब्रेन स्टेम है. ब्रेन स्टेम, ये जो ब्रेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रेन स्टेम है. तो ब्रेन स्टेम में अटेंशन का काम होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं अटेंशन प्लीज, राइट? सो यू हैव टू बी अटेंटिव टू योर स्टडी. नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस मीनिंग पैरेलल कामकाज. सो उस पढ़ाई को लेके, उस एक्टिविटी को लेके जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, नॉलेज हमको चाहिए, वो पैरेलली हम लोग ले रहे हैं एट अ टाइम, एक साथ बहुत सारे. That is called simultaneous. So, brain के पांच लोब्स है, prefrontal, frontal, parietal, occipital, temporal. तो जो ब्रेन स्टेम है, it is just the starting point. Attention का जो कामकाज है ब्रेन स्टेम में होता है. Simultaneous जो कामकाज है वो होता है parietal and occipital में. Now successive. Successive meaning हमने बहुत सारे information इकट्ठा कर लिया, knowledge इकट्ठा कर लिया. Now it has to be in proper order, proper sequence. So the sequencing ordering happens in successive, जो कि another S है. यह होता है temporal lobe में. Then comes our planning, P for planning. जो पहला planning है planning, it happens in the frontal and prefrontal level. Planning का मतलब क्या है? अभी हमने काफी information gather कर लिया पढ़ाई के बारे में. Now we'll create the blueprint, the course of action. कैसे पढ़ाई करनी है हमको, उसके बाद हम लोग actually पढ़ाई करेंगे. So this is all about your पास, प्लानिंग, अराउजल एंड अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव. बट आइडियली सबसे पहले अराउजल होता है, उसके बाद अटेंशन होता है, उसके बाद साइमल्टेनियस होता है, मतलब पैरेलल, देन कम्स योर सक्सेसिव एंड फाइनली प्लानिंग. दिस इज ऑल अबाउट योर जेपी दास. इतना ही पढ़ने से नहीं होगा, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बेसिस आई एम मेकिंग दिस वीडियो. बट और भी अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, अब हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो. Thank you.